दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों खुशखबरी, खुशखबरी, बधाई हो दोस्तों सभी को। दोस्तों आज यानी कि आप सभी को पता है कि 12 जून 2022 को जो यूके 380 का जो ड्राइवर का एग्जाम हुआ है वो पेपर मैं आपके सामने यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। इसकी आंसर की आप यहाँ पर कंप्लीट आंसर की देखेंगे। दोस्तों खुशखबरी ये है कि इसमें जो प्रश्न आए थे ड्राइवर के, 100% कितना होता आप सभी को बताया, वो 100% जो प्रश्न है वो हमारे पढ़ाया हुआ जो था उसमें से आए हैं। दोस्तों जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ फिर से बता देना चाहूँगा। यहाँ पर इस पेपर में भी आप देख सकते हैं कि जो वाहन से संबंधित जो प्रश्न पुटअप होते हैं, प्रश्न आते हैं, वो किस हिसाब से, कौन से टॉपिक से, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं जो अभी वैकेंसी जून में आने वाली है, तो दोस्तों आपको इस पेपर को पूरा का पूरा ध्यान से देखना है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पेपर है। आने वाली वैकेंसीज में दोस्तों जो ये पेपर रहेगा वो यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल है, वो हो सकते हैं। तो आपको हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना है। बाकी जो उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपका पेपर काफ़ी थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा कोई ईजी हम इस पेपर को नहीं कह सकते। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, जो हमने कई बार है इस प्रश्न को देख लिया था, कि भी 100 मिली रक्त में अल्कोहल की कौन सी न्यूनतम मात्रा है जो पाए जाने पर चालक को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अधीन दंडित किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि धारा जो 185 है वो किससे संबंधित है, शराब पीकर वाहन चलाने से संबंधित है। और इस धारा में ये कहा गया है कि भी अगर आपके जो 100 ml जो रक्त है इसमें अगर 30 mg दोस्तों यहाँ पर अगर ब्लड में जो है आपका अल्कोहल पाया जाता है तो दोस्तों आप दोषी माने जाएंगे और आप पर वो जुर्माना लगाया जाएगा। अब जुर्माना कितना है दोस्तों, पहली बार में 10,000 का जुर्माना है और दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही दोस्तों आपको ध्यान में रखना है धारा 203, जो एक तो धारा 203 है वो एक है धारा 204। धारा 203 स्वास्थ्य परीक्षण का है, धारा 204 है वो प्रयोगशाला परीक्षण है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मिलीग्राम से अधिक। प्रश्न संख्या दो है हमारे सामने। भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट, पैरा एथलीट का मतलब जो विकलांग व्यक्ति होता है, पैरा जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से हैं, सभी को पता हो। तो किसी वाहन में टेकोमीटर मापन करता है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहां पर घूर्ण चाल मापी, इसको हिंदी में मैं बात करता हूं तो यहां पर आप इसको है वो घूर्ण चाल मापी भी कह सकते हैं, घूर्ण चाल मापी कह दें या टेकोमीटर कह दें। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने भी आपको कई बार है इस प्रश्न का जवाब है आपको दिया होगा, आपको याद है तो आप स्वयं बता सकते हैं इस प्रश्न का जवाब है। टेकोमीटर किसकी जांच करता है, शाफ्ट के घूमने की गति यानी कि इंजन के आरपीएम को बताता है। कौन बताता है, टेकोमीटर। जबकि जो स्पीड कौन बताता है, जो है स्पीडोमीटर बताता है, ठीक है। तो कुल तय की गई दूरी है उसकी गणना करता है ओडोमीटर। तो ये सभी के सभी आपको ध्यान में है रखने हैं। प्रश्न संख्या चार आपके सामने है। कटारमल के सूर्य मंदिर का निर्माण किस युग में या काल में हुआ, कटारमल के सूर्य मंदिर का निर्माण। कुछ स्टूडेंट्स दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो यूके के जो पर्सन है वो आपको देखने हैं। तो इसका हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा कत्यूरी काल में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी। अल्मोड़ा जेल की स्थापना है वो हुई थी आपके 1816 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोमती व सरयू नदियों के संगम पर उत्तराखंड का कौन सा मंदिर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बागनाथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, बागनाथ का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या सात है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ड्राइवर का प्रश्न है। इंजन तेल में चिपचिपाहट या शांता में परिवर्तन का मुख्य कारण होता है, इंजन तेल में यानी कि चिकनाई कम होती है तो किसके कारण होती है, ये होती है दोस्तों यहाँ पर ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण है जो शांता है, चिपचिपाहट है वो कम होती है। क्योंकि जे जितना लंबा ऑयल चलेगा, हम कहते हैं कभी कभी हम क्या कहते हैं, गाड़ी अगर 5000 किलोमीटर चल जाती है हम इंजन ऑयल को देखते हैं और हम कहते हैं कि यार इसका तो केवल रंग है वो काला हुआ है, ये अभी ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर काफ़ी लंबे समय तक ऑयल चल जाता है तो इसका मतलब है कि वो है लगातार गर्म ठंडा होने की वजह से उसमें क्या चिकनाहट है वो कम हो जाती है, और उसी कारण से हम ये कह देते हैं कि यार ऑयल तो जैसा डाला था वैसा ही रंग इसका दिख रहा है। केवल रंग से नहीं होता, इसकी जो
चिकनाहट होती है दोस्तों, चिकनाई के जो गुण होते हैं वो समाप्त होते जाते हैं, तो ये होता है तापक्रम के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हम देखते हैं। एक दिशा में 3 लेन वाले कैरिज वे परिवहन मार्ग पर भारी वाहन किस लेन में चलाया जाएगा, यानी कि एक दिशा में, यानी कि एक कोई सड़क है, मोटी सड़क है, ठीक है, यहाँ पर एक बीच में वो जो डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 लेन मार्ग है, क्या है यहाँ पर, मैं दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पर 3 सड़कें हैं, ठीक है, तो इसमें ये एक नंबर ये होगी, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर ये है। अब आपको ये बताना है कि जो कैरिज वे यानी परिवहन मार्ग पर है भारी वाहन होते हैं वो दोस्तों कहाँ पर चलाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जो पहली लाइन होती है, पहली लाइन किसके लिए होती है दोस्तों, पहली लाइन ओवरटेकिंग लाइन होती है। क्या होती है? ओवरटेकिंग लाइन होती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। नंबर 2 जो होती है वो होती है दोस्तों, वैसे तो देखो दोस्तों यहाँ पर है वो कोई से भी वाहन चलाए जा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से हल्के जो LMV व्हीकल्स होते हैं उनके लिए ये दोस्तों यहाँ पर निर्धारित होती है। नंबर 3 जो लेन होती है वो भारी वाहनों के लिए होती है। क्या होती है? भारी वाहनों के लिए। नंबर 3 भारी वाहन, नंबर 2 LMV यानी हल्के वाहन, और नंबर 1 है वो ओवरटेकिंग लेन होती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि फिर यहाँ पर भारी वाहन किस लेन में चलाए जाएंगे, तो सबसे बाई लेन में, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित श्री सुरेंद्र सिंह कनवासी किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सुरेंद्र सिंह जो कनवासी है, इनका संबंध है दोस्तों नौकायन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, एकदम सिंपल प्रश्न, आप देख सकते हैं यहां पर एक यानी गोल आकृति में, गोल आकृति में एरो सीधा भी जा रहा है और साइड में भी जा रहा है, यानी कि आप सीधे भी जा सकते हैं और राइट में भी मुड़ सकते हैं। तो आपको यही तो बताना था, यानी आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य, यानी आपको या तो आगे जाना पड़ेगा या दाएं मुड़ना पड़ेगा, ये दोनों में से एक काम आपको करना है, इसीलिए दोस्तों इसको अनिवार्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने मैं रख रहा हूँ। 11 नंबर प्रश्न भी एकदम सिंपल था, यानी गोल आकृति है, मैंने बताया था कई बार एक रेखा है नो पार्किंग, 2 रेखा है नो पार्किंग नो स्टैंडिंग, यानी कि न तो आपको खड़ा रखना है न रोकना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका है वो सही जवाब है हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है हमारे सामने। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन खतरनाक स्थिति में वाहन को खड़ा करना दंडनीय है। एक तो होता है दोस्तों खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, ये तो दोस्तों संबंध है धारा 184, लेकिन यहाँ पर है खतरनाक तरीके से वाहन को खड़ा करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो खतरनाक तरीके से खड़ा करने से संबंधित जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा 122 के अंतर्गत खतरनाक स्थिति में अगर आप कहीं पर भी वाहन को खड़ा कर देते हैं तो धारा 122 है वो लागू होती है। नंबर 13 प्रश्न है, एकदम सिंपल प्रश्न है। पेट्रोल इंजन को जाना जाता है, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन, एक होता है दोस्तों SI इंजन, एक होता है CI इंजन। SI का मतलब है स्पार्क इग्निशन, CI का मतलब है कंप्रेशन इग्निशन, यानी कि SI का मतलब स्पार्क का मतलब है स्पार्किंग के द्वारा ईंधन जलाया जाता है, CI यानी कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब है ईंधन को कंप्रेशन के माध्यम से जलाया जाता है, जैसे डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में डीजल को कंप्रेशन के माध्यम से जलाया जाता है, क्योंकि डीजल में सबसे पहले हवा को कंप्रेस किया जाता है, इस कंप्रेस की गई हवा पर डीजल की फुहार की जाती है तो डीजल जलता है, मतलब कि डीजल इंजन कंप्रेशन के सिद्धांत पर काम करता है। ऐसा इंजन का मतलब है स्पार्क इग्निशन, यानी कि स्पार्क प्लग के माध्यम से वो ईंधन को जलाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पार्क इग्निशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजभवन नैनीताल की स्थापना की गई थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1897, यानी कि 27 अप्रैल 1897 को राजभवन नैनीताल की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। उत्तराखंड के किस शहर को पुराना नाम ग्रास्टीनगंज है? पुराना नाम इसका टनकपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 16 है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई थी, कहां पर? काशीपुर में। पंवार वंश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कनक वंश, क्योंकि कनकपाल ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 18 है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जोली ग्रांट की स्थापना है वो किसने की थी? यहां पर स्वामी राम है, राम स्वामी नहीं है, स्वामी राम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है वो जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। एक व्यक्ति जिसने वाहन चलाने की वैध अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई है वाहन चलाता है को दंडित किया जा सकेगा, धारा 180 क्या कहता है दोस्तों? धारा 180 कहता है कि अगर बिना लाइसेंस के या अयोग्य व्यक्ति है कोई गाड़ी चलाता है तो इसकी जिम्मेदारी वाहन मालिक होगा। कौन होगा? वाहन मालिक होगा। धारा 181 कहता है कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति जिसके पास में लाइसेंस नहीं है गाड़ी चलाएगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो कितना जुर्माना आप पर है वो लगाया जा सकता है। तो यहाँ
यहाँ पर मैं बता दूँ, 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपया जुर्माना या दोनों का प्रावधान यहाँ पर है वो किया गया। धारा चाहे 180 की बात हो चाहे 181 की बात हो, दोस्तों ये दोनों में ही 5,000/6 माह इस प्रकार का प्रावधान, सॉरी 3 माह का यहाँ पर प्रावधान है वो किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दिल्ली पुलिस या आगे कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है। 20 नंबर प्रश्न कई बार हमने बता दिया है, परिवहन वाहन चालन के लिए लाइसेंस की वैधता होती है 5 साल। 2019 से पहले दोस्तों ये कितना था, 3 साल था, लेकिन वर्तमान में इसे बदल कर 5 साल है वो कर दिया गया है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट जो हैवी लाइसेंस होता है उसकी बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में सॉरी वाहनों में भारत स्टेज मानक प्राथमिक रूप से दर्शाता है। कई बार मैंने ये प्रश्न पूछ लिया है, वायु प्रदूषक की मात्रा इंजन द्वारा है वो निकाली जाती है उसको ये दोस्तों बताता है कौन, भारत स्टेज मानक। इसका संबंध प्रदूषण से है ये मैंने कई बार आपको बता दिया था, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस क्विज में भी ये प्रश्न मैंने कई बार आपको दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो जवाब है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ, निम्न में से कौन भारत में ऑफ रोड कार रैली का चालक नहीं है, चेतन शिवरमन, विक्कू विनायक्रम, ये नहीं है दोस्तों, गौरव गिल भी है, विक्कू बाबू भी है, यानी कि जो कार रेस है इसके अच्छे ड्राइवरों की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 23 है, इंजन में केम साफ्ट लगी होती है। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर पिस्टन होता है, इसके नीचे कनेक्टिंग रोड होती है सी, और इसके नीचे केम साफ्ट होती है, इसे लंबवत है ऐसे होती है, सॉरी आडी पड़ी हुई होती है, इसके ऊपर जो मैकेनिज्म लगाया होता है, और यहाँ पर वो सबसे ऊपर है, यहाँ पर क्रैंक जो केम साफ्ट होती है, ये तो हो गई क्रैंक, और ये सबसे ऊपर है वो होती है केम। ये दोनों दोस्तों मैंने कई बार आपको बता दिया था कि एक फैन बेल्ट के माध्यम से जुड़ी रहती है, जिसको टाइमिंग चेन के नाम से भी जाना जाता है या फैन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्रैंक शाफ्ट के समानांतर। ठीक है, लंबवत का तो मतलब होता है खड़ा, खड़ी तो होती नहीं है, आप सभी को पता है, झुकी हुई भी नहीं होती। प्रश्न संख्या 24 है, गढ़वाल नरेशों की राजधानी रहा चांदपुर गढ़ी नामक स्थान निम्न में से सबसे निकट है, किसके, चमोली में, क्योंकि ये चमोली में स्थित है। स्वर्णिम घंटा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर गोल्डन आवर की बात हो रही है। आप सबको बताया एम वी ए की धारा जो 2 है, 2 की उपधारा 12 क, 2 की उपधारा 12 क में दोस्तों स्वर्णिम घंटे का उल्लेख है वो किया गया है, और इसके तहत ये बताया गया है कि अभिघात यानी किसी दुर्घटना क्षति के पश्चात 1 घंटे तक रहने वाली काल अवधि जिसके दौरान मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम संभावना है वो रहती है। यानी कि मृत्यु को निवारित का मतलब है मृत्यु से व्यक्ति को बचाया जा सकता है, किसी दुर्घटना के तुरंत बाद का जो 1 घंटे का समय होता है वो गोल्डन आवर यानी कि स्वर्णिम घंटा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये हमारी जो ई बुक है उसके पहले ही पेज में प्रश्न है, द्वारा हाट मंदिर समूह बनाया गया है, द्वारा हाट मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया है, कत्यूरी राजाओं के द्वारा। प्रश्न संख्या 27 हम देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 8-3 के अनुसार परिवहन वाहन चलाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्नित होगा। इसमें यह बताया गया कि जो परिवहन चलाने के लिए जो लाइसेंस का आवेदन करते हैं तो उसके साथ में आपके पास में चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों मैं मेडिकल सर्टिफिकेट से संबंधित कथन बता देता हूं। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म नंबर 1A भरा जाता है, एक फॉर्म नंबर 1 होता है जो कि मेडिकल यानी स्वय घोषणा पत्र होता है, स्वय घोषणा किसका, फिटनेस किसकी, स्वयं व्यक्ति की भी मैं स्वस्थ हूँ। एक होता है कि परिवहन लाइसेंस के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको डॉक्टर से लिखाकर आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। ये कंडीशन इसमें ये है कि आपकी इसमें फोटो लगी होनी चाहिए, साथ ही दोस्तों इसकी वैलिडिटी 1 साल तक होती है यानी 1 वर्ष तक होती है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसे लाइसेंस बनवाते समय इसे आप दे देते हैं तो उसके बाद में आपकी उम्र 40 साल हो जाती है, तब तक आपको दोस्तों यहाँ पर है दोबारा से मेडिकल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने माना कि 20 साल की उम्र में HME बनाया और आपने अगर 42 साल की उम्र में आप अब इसे रिन्यू करवा रहे हैं तो आपको दोबारा से मेडिकल सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 बहुत अच्छा प्रश्न है, ट्यूब वाले टायर की अपेक्षा बिना ट्यूब जो ट्यूबलेस टायर का लाभ है वो आपको बताना है। बेहतर ईंधन दक्षता, बिल्कुल सही बात है, और फ्लेट चलने की कम संभावना, ये भी सही है। वायु का धीमा रिसाव, ये भी सही है, क्योंकि जो ट्यूब वाले टायर होते हैं वो पंचर होने पर अचानक खाली हो जाते हैं, जबकि दोस्तों जो ये ट्यूबलेस टायर है इनमें से हवा वो धीमी धीरे धीरे वो निकलती है। बेहतर ईंधन दक्षता का मतलब है कि ईंधन है इसमें कम खर्च होता है, एक जो प्रति लीटर ईंधन है उस पर गाड़ी है वो ज़्यादा माइलेज देती है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम अगला देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रजामंडल
आंदोलन प्रारंभ किया गया था देव सुमन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में HIV संक्रमितों में भारत की स्थिति कौन सी है? दोस्तों तीसरा स्थान भारत में। भारत देखो हर स्थिति में चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, लेकिन भारत रिकॉर्ड तो जरूर बनाता है। तो यहाँ पर HIV में भी दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 31 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक कौन थे? दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 31 है इसका सही जवाब हो जाएगा दरबान सिंह नेगी। प्रश्न संख्या 32 है, कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ा जाता है। कनेक्टिंग रोड को दोस्तों पिस्टन से जोड़ा जाता है। मैंने बताया था पिस्टन होता है, पिस्टन के नीचे यहाँ पर कनेक्टिंग रोड होती है जो इससे जुड़ती है। अब जो ये आपका पिस्टन होता है, इस पिस्टन में बीच में छेद होता है और इसी छेद में जो कनेक्टिंग रोड है इसको फंसाया जाता है, और ये इस जो ये पिन फंसाई जाती है इस छेद में उसका नाम पूछा है, तो इसका नाम होता है दोस्तों पिस्टन पिन। पिस्टन पिन को दोस्तों हम गजन पिन के नाम से भी जान सकते हैं या रिस्ट पिन के नाम से भी है वो जान सकते हैं। तो आपको सारे के सारे नाम है वो याद रखने हैं, WRIST अंग्रेजी में नाम पूछे तो ये आपको देखना है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें नाम याद रखने हैं। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हारूल उत्तराखंड की किस जनजाति का नृत्य है? जौनसारी का। अगला प्रश्न है, हरेला पर्व संबंधित है पौधारोपण से है। प्रश्न संख्या 35 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ओमनी बस से तात्पर्य। दोस्तों मैंने जो क्लास नंबर 7 दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए थी, उत्तराखंड ड्राइवर के लिए भी मैंने ली थी दोस्तों, उसमें मैंने डेफिनेशन दी थी, उसमें मैंने ओमनी बस के बारे में बताया था ओमनी बस क्या होती है। तो यहाँ पर ओमनी बस होती है दोस्तों क्या होती है, यहाँ पर चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन है उसे दोस्तों ओमनी बस के नाम से जाना जाता है, जिसमें दोस्तों कोई मोटर वाहन जो सामान ले जाने हेतु निर्मित सामान के लिए नहीं होती दोस्तों, ये किसके लिए होती है? यात्रियों के लिए होती है। यात्रियों का सामान तो इसमें जरूर जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम सिंपल है। ऑटोमोबाइल में बैटरी का मुख्य कार्य होता है विद्युत के स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करना, बिल्कुल गलत है। इंजन के चलने के दौरान हर समय विद्युत प्रणाली को विद्युत की आपूर्ति करना, यह सबसे अच्छा जवाब होगा। अल्टरनेटर को विद्युत आपूर्ति, यह भी गलत होगा। इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर को चालू करने के लिए अत्यधिक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति, दोस्तों जो इंजन स्टार्ट करते हैं तो विद्युत है वो बैटरी के पास जितनी होगी उतनी ही मिलेगी, अत्यधिक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अत्यधिक बैटरी यहाँ पर बढ़ा के नहीं देगा। जो सोलेनोइड स्विच होता है, जो स्टार्टर होता है, इसकी जो मतलब असेंबली होती है वही उसे बढ़ाने का काम है वो करती है, जबकि जो बैटरी होती है वो तो बस जितनी उसके पास में एनर्जी है उसे देने का प्रयास है वो करता है। तो प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों, ये भी मैंने आपको उसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट की जो क्लास थी उसमें बता दिया था। ई गाड़ी या ई रिक्शा से क्या तात्पर्य? माल या यात्रियों के वाहन हेतु तीन पहियों को धारण करने वाला 4000 वोट से अन अधिक यानी कम शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी चालित सशक्त यान जो होता है, यानी बैटरी से चलने वाला ऐसा यान जो 4000 वोट से कम बैटरी से है वो चलता है, तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं? ई गाड़ी या ई रिक्शा के नाम से जाना जाता है। इसका जो संबंध है दोस्तों यहाँ पर धारा 2A में इसका उल्लेख है वो किया गया है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये मतलब रिक्शे होते हैं इन पर आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि इनका वजन अगर 7500 किलोग्राम से कम होता है तो इनको LMV लाइसेंस से भी चलाया वो जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और आती है कि जो ये लाइट से चलने वाले जो रिक्शे होते हैं, बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती है, इसमें किस प्रकार की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है? तो लीथियम बैटरी का प्रयोग दोस्तों आजकल इन गाड़ियों में वो किया जाता है। अब आप कहोगे कि लीथियम है तो जो बाकी के जो वाहन होते हैं इनमें कौन सी जो बैटरी है वो होती है? तो आपको उसमें बताना है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी होती है। कौन सी होती है? उनमें जो है जो सल्फ्यूरिक एसिड वाली जो बैटरी है उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि जो आजकल जो आधुनिक बैटरी से चलने वाले वाहन होते हैं इसमें लीथियम बैटरी का प्रयोग है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी शरण टीरी गढ़वाल के संस्थापक है वो कौन है? आपको ये बताना है। तो स्वामी मन मंथन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू निषेध दिवस का मनाया जाता है 31 मई को दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, घुमाया हुआ है, नीचे दिए गए आज्ञापक संकेत का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, यहाँ शब्दों का खेल है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, त्रिभुज में बनाया गया है तो त्रिभुज में जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है आप सभी को पता है, चेतावनी संकेत होता है। लेकिन इसने यहाँ पर लिख दिया क्या? आज्ञापक संकेत यानी कि आदेशात्मक। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कमांड सिंबल, यानी कि ये एक प्रकार का चौराया है तो ये आदेशात्मक संकेत नहीं है, ये केवल चेतावनी संकेत होता है। लेकिन यहाँ पर कमांड सिंबल लिख दिया गया है यानी कि आज्ञापक संकेत लिख दिया गया है। आज्ञापक तो नहीं है लेकिन जो चित्र में पूछा गया है कि भी इस प्रकार का क्रॉस होगा त्रिभुज में होगा तो वो कौन सा संकेत होता है, वो चौराया का संकेत है वो होता है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 41 है,
भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब है वो घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 1982। प्रश्न संख्या 42 से बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखो कितना अच्छा घुमा के प्रश्न दिया। ब्रेक फ्लूइड यानी द्रव्य का मुख्य कार्य होता है, यानी कि जो ब्रेक ऑयल होता है उसका काम क्या होता है? दोस्तों एक पर ऑप्शन नंबर एक है संयन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने दोस्तों संयन का जो जवाब है वही सही किया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्रेक फ्लूइड होता है, ब्रेक जो ऑयल होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? संयन का मतलब होता है लुब्रिकेट करना, लुब्रिकेशन करना, यानी कि जो ब्रेक के जो पार्ट्स है उनमें दोस्तों चिकना ही देना। लेकिन जो ब्रेक फ्लूइड होता है, जो ब्रेक ऑयल होता है, इसका काम क्या होता है? जो ब्रेक ऑयल होते हैं उनमें शक्ति व बल का स्थानांतरण करने के लिए काम है वो लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शक्ति व बल का स्थानांतरण, क्योंकि आप सभी को पता है जो ब्रेक होते हैं, जो कि ब्रेक फ्लूइड से, यानी कि जो मतलब कि हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, उनमें दोस्तों ब्रेक फ्लूइड क्या काम करता है? वो शक्ति प्रदान करने का काम करता है और हस्तांतरण, बल हस्तांतरण करने का काम करता है, यानी कि आगे धकेलने का काम है वो करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 42वें का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां अशुद्ध जल के उपयोग से होती है? दोस्तों टाइफाइड, पीलिया, हैजा, पेची सभी है वो आपके अशुद्ध गंदे जल से होती है। प्रश्न संख्या 44 है, दोस्तों जो कोई सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है निम्न जुर्माने से दंडित है वो किया जाएगा? 2,500 रुपये, 1,000 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1,000 का जुर्माना है वो सीट बेल्ट नहीं लगाने पर है आपके खिलाफ है वो लगाया जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ, तंबाकू की लत होती है निकोटीन के कारण, क्योंकि इसमें निकोटीन नामक पदार्थ होता है। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए प्रतीक चिन्ह होता है लाल रिबन, कौन सा होता है? लाल रिबन। टिहरी रियासत में कीर्ति नगर आंदोलन है वो कब हुआ था आपको ये बताना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी 1948, यानी कि 1948 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, मध्यकालीन उत्तराखंड में सिरतान किस व्यवस्था से संबंधित है? सिरतान भू व्यवस्था से संबंधित है, हालांकि सिरतान का संबंध अनाज से है दोस्तों, लेकिन अनाज या कर व्यवस्था जो खेतों से होता था, कर यानी कि जो लगान वसूला जाता था उससे संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर भू व्यवस्था नाम आया तो भू व्यवस्था करना है। वाहन के टायर के नामकरण में आर का मतलब क्या है? आर रेडियल टायर का प्रकार होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की टायर क्या बनाने की प्रक्रिया होती है। उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को 2022 ईस्वी में सम्मानित किया गया, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया यह आपको बताना है, पद्म श्री पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पेपर में जैसा मैंने आपको कहा था, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो मेरिट की बात करता हूँ मैं, कि मेरिट कितनी रह सकती है, कितना क्या इसको स्कोर रह सकता है, तो दोस्तों स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, पेपर को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे तो थोड़ी चिंता हो रही है कि भाई इसकी क्या कितने जा रही है, कुछ मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो मेरा नज़रिया है वो ये कहता है कि इसमें आपके 50% आए हैं, 50 में से अगर कोई बंदा 25% सही कर देता है तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर है वो कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। जीके कितना हार्ड पूछा है, ड्राइविंग जो स्किल के जो प्रश्न थे, मेंटेनेंस के थे, वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए थे, एक भी प्रश्न सरल नहीं था। साइंस से जो संबंधित प्रश्न आए थे वो भी दोस्तों हार्ड थे। तो दोस्तों आप अपना स्कोर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ जिसके 25% सही हो रहे हैं वो सेफ जोन में है मेरे हिसाब से, दोस्तों सेफ जोन में वो रहेगा। बाकी दोस्तों सब कुछ है वो आपके रिजल्ट आने से ही पता चलता है, ऐसे ये तो हम एक गेस करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि भी कितना क्या हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, पर्सन पेपर जो जीके है वो भी थोड़ा सा हार्ड आया है, बिना मतलब कि हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और स्टूडेंट्स की संख्या मात्र 19,000 ने फॉर्म भरा था, तो इसकी उपस्थिति के बारे में भी जब जल्दी जानकारी आ जाएगी भी कितने लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका स्कोर 25 या इसके आसपास है तो आप इसमें मेरे हिसाब से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने नंबर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके नंबर कितने अंक है वो आए हैं, ताकि हम एक पोल है वो तैयार कर सकें जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि भी आपके कितने नंबर आए हैं। पोल में विजिट करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर मैंने मेरिट के लिए एक पोल डाल दिया है, आपको वहाँ पर वोट करना है कि आपके अंक है वो कितने आए हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, हम एक मेरिट का अनुमान है वो लगा पाएंगे कि भी कितनी जो मेरिट है वो जा सकती है, तो ठीक है। तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर जाके है उस पोल में वोट जरूर देना है। वोट कैसे देंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है या व्हाट्सअप पर हेलो लिख के भेजो, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देता हूँ, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पोल है वो मिल जाएगा, उसको आपको वोट है वो करना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लेते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद। लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन,
जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें, परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही हमारे ऐप्स के साथ में जुड़ें। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें जिसमें आपको बुक्स पीडीएफ, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा, सरल भाषा वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए हम कराएंगे। एक छोटा सा दांव आपको हमारे साथ खेलना है और हम अपने सपने को साकार है वो कर सकते हैं। विश्वास कैसे करें? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स में से 95 से 98% तक प्रश्न है केवल हमारी बुक से आए हैं, तो फिर देर किस बात की। सहायता के लिए आप अभी व्हाट्सएप करें, नंबर है 8764188848। टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।